और एक बार फिर अपने लश्कर की तरफ देखा और कहा, तारिक बिन जियाद तुम्हें सिर्फ एक पैगाम देना चाहता है कि आज की शाम तक जिसको भी अरब लौटना है वो लौट जाए और जिसको भी हमारे साथ रहना है वो यहीं रह जाए। उन्होंने कहा, कोई है जो लौटना चाहता है? शाम तक का वक्त है उसके पास, जिनको लौटना है लौट जाओ। और शाम भी हो गई, लेकिन एक भी सिपाही ने वापस जाने की बात नहीं की और एक भी सिपाही वापस नहीं लौटा। लेकिन जब कोई नहीं लौटा, तारिक बिन जियाद खड़े होते हैं और जो लकड़ियों की कश्तियाँ आई थी किनारे, उन्होंने तेल डालकर उन सारी कश्तियों में आग लगा दी। कश्तियाँ लकड़ियों की थी, वो जलने लग गई। लेकिन उनके सिपाहियों ने पूछा, ये तो हमारी सवारियाँ हैं, इन्हें क्यों जलाया जा रहा है? तारिक बिन जियाद ने जवाब में कहा, मैंने ये इसलिए किया ताकि जंग के बीच में किसी की भी भागने की जरूरत भी ना हो और ये ख्याल भी ना हो, क्योंकि हम रसूलुल्लाह के वो दीवाने हैं। हम जहाँ भी जाएंगे या तो झंडा गाड़ेंगे या फिर कब्र में दफन हो जाएंगे। हम जहाँ जाएंगे या तो हमारी कब्र बनेगी या तो हमारा परचम लहराएगा। तारिक बिन जियाद का यही जोश था, यही वलवला था। उन मुजाहिदीन ने पहला कदम रखा और अल्लाह ने उन्हें फतह अता फरमाई।